हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो मैं उसमें बताने वाला हूँ व्यू मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले लाइक और डिसलाइक कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो या डिसलाइक कर दिया करो, कुछ तो करके जाया करो, कुछ तो इंट्रैक्शन दिखाया करो अपनी, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो स्ट्रक्ट बनाया हमने, और क्या बनाते हैं, सैम्पल व्यू मॉडिफायर। और किससे इनहेरिट करना है, व्यू मॉडिफायर। व्यू मॉडिफायर का ना यूज जब है कि जब टेक्स्ट को, मतलब मल्टीपल टेक्स्ट पे हमें सेम स्टाइलिंग देनी है। सेम स्टाइलिंग का मतलब टेक्स्ट कलर सेम देना है, बैकग्राउंड कलर सेम देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सेम रखनी है, ठीक है। मान लो ये बॉडी है, ये वाला कोई फंक्शन हमें यूज़ करना है, और कंटेंट जो होगा जिसके ऊपर हम मॉडिफायर लगा रहे हैं वही कंटेंट है, ठीक है। मान लो कंटेंट डॉट फोरग्राउंड कलर, कलर डॉट रेड, और डॉट बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट ब्लू, ठीक है। तो इसके ऊपर सिंपली हमें क्या करना है, डॉट मॉडिफायर पे हमें लेना है सैम्पल व्यू मॉडिफायर। ये हो गया सिंपल। दूसरा, स्विफ्ट यू आई में ना व्यू आई यू आई कम्पोनेंट जो है बनाने इतने आसान है। जैसे देखो, अब मैं इसके ऊपर फॉन्ट लगाऊँ, डॉट सिस्टम फॉन्ट ऑफ साइज 40, तो इसमें तो कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 40 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी वी स्टैक पे भी लगा दूँ, वी स्टैक डॉट डॉट मॉडिफायर, और मैं लिख दूँ क्या, सैम्पल व्यू मॉडिफायर ना, अगर इसी काम को मैं स्विफ्ट में करता तो स्विफ्ट कभी ना करने देता ना। स्टैक के ऊपर मैं उसका टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ तो कभी ना करने देता, पर यही काम स्विफ्ट में काफ़ी सिंपल है। अब यह देख लेता रन करके एक बार बस, बाकी चल तो जाना चाहिए। नहीं, किसी को जैसे देखो, ये टेक्स्ट था, फोरग्राउंड कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, ब्लू हो गया, तो यही है व्यू मॉडिफायर्स। और मतलब कई सारे, जैसे ऐसा नहीं है कि वी स्टैक के ऊपर लगाया है मैंने, अब देखो जैसे वी स्टैक के ऊपर आ नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसकी कोई भी अभी हाइट और विड्थ नहीं है। हाइट दे देंगे तो उसके ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है। तो यही था, व्यू मॉडिफायर्स में किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, बस अगर जहाँ पर मल्टीपल स्टाइलिंग सेम, मतलब मल्टीपल टेक्स्ट के ऊपर या फिर मल्टीपल व्यूज के ऊपर सेम स्टाइलिंग रखनी है, ठीक है। तो यही था वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक वैक कर लेना, ज़्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।